अपने कंधे पे बैठा के कपूर साहब मुझे जू में कैटा दिखाने नहीं लेके गए थे? वो सब आपने किया था पापा। अरे आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? वो झोपड़ी वाला कपूर क्या सोचेगा मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता? फिर ये देख के आयो, फिर तो डिस्कशन ही खत्म। कुछ मत कहो साहब ज्यादा से, वरना अपने आप को टॉयलेट में लॉक कर लेंगे। अरे बेटा हाँ तुम भूल, हम दोनों के अलावा कोई रहता है यहाँ? उठाड़ो टेंट के बाद क्या करना है, कुछ सोचा आगे? ओह नो, ट्वेल्थ बोर्ड है मार्डर, इलेवेंथ का तेरा बाप करेगा। अब आपका मन है करने का तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन पापा इस उम्र में बच्चों के साथ क्लास में बैठोगे, एडजस्ट कैसे करोगे? क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े हरामी हैं, आपकी तरह सीधे नहीं। बाप से जुबान लड़ाता है? अरे मेरे बाप जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका क्लास में यही एटीट्यूड रहा तो अगले दिन बच्चे पल्सर पे भर भर के हॉकी बेसबॉल सरिया लेके आएंगे आपको मारने के लिए। अरे जिंदगी में आगे क्या करना कुछ सोचा है, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने और राइट साइड खेल? नहीं ऐसा नहीं है पापा, कुछ तो सोचो। राइट साइड, आप भी टिंडर पे हो? तेरे टिंडे पैदा करने के लिए मुझे टिंडर की जरूरत नहीं है हरामजादे, तेरे ऐप रिन्यू का बिल मेरे क्रेडिट कार्ड से ही पे होता है। मैंने सोचा मैं बस कंडक्टर बनूंगा, आफ्टर ऑल ट्रैवलिंग इज माय हॉबी। 10-12 सवारियां बस में बैठा के पूरी सिटी में घूमने को ट्रैवलिंग नहीं कहते? रिक्शे वाला तुम डाके सिगरेट की पिक्चर देख कैसे बातें कर रहा है तू? क्योंकि मैंने देखा है आपको कैसे आप रिक्शा रिक्शा करते हो, और रिक्शा आपको हाउ टू अवॉइड की शिक्षा देके चला जाता है। लेकिन जब आपका बेटा रिक्शे वाला बनेगा ना, आप बस ऐसे करना और रिक्शा ऐसे करके रुक जाएगा। अबे ध्यान है ना, रिक्शे वालों को लड़कियां भैया भैया बोलती हैं। दूध वाला बैंड, दूध वाले कौन थे? निक जोनस हैं, वो भी भैया ही कहलाते हैं। ओह नो, पेपर वाला इसके बाद प्लम्बर मत बोल देना तू। नहीं इस बहाने आपकी ये शिकायत भी खत्म की मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, क्योंकि लोगों को सुबह हकते हकते पेपर चाहिए चाहिए। मैं डॉक्टर इंजीनियर आईएएस नहीं बनना तुम्हें? ए पापा, अब डॉक्टर बन के अपने को कौन सा आपका गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करना? वो शैतान टट्टा सिंह अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? अरे मुझे नहीं समझ आते ये सब करियर, चूज भी कर ले तो कोई अपने कुत्ते तक का इलाज नहीं करवाएगा मुझसे। टंटा बहुत सीधी बात बोलता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। बरोबर, तो तुम्हारे दोस्त के हिसाब से तो मुझे पॉर्न स्टार बनना चाहिए था। मंजे क्या चूज किया तुमने? मुझे यूट्यूबर बनना है पापा। अरे हंसेंगे लोग, बोलेंगे जब कच्चा बादाम पे रील बनवानी थी तो किशमिश और अखरोट क्यों खरीदे? तो कपूर साहब कह रहे थे खुश किस्मत हो कि तुम्हारा लड़का रील नहीं बनाता, वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे सर्दी वाले कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए उसमें कपूर की गोली नहीं डाली थी। अपने कंधे पे बैठा के कपूर साहब मुझे जू में कैटा दिखाने नहीं लेके गए थे? वो सब आपने किया था पापा। अरे आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? वो झोपड़ी वाला कपूर क्या सोचेगा मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता? ये देख के आयो, फिर तो डिस्कशन ही खत्म। कुछ मत कहो साहब ज्यादा से, वरना अपने आप को टॉयलेट में लॉक कर लेंगे। नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो टंटा है ना जिसे आप हरामखोर कहते हैं, उसने जबरदस्ती इसमें सुलभ शौचालय का फोटो डलवाया। कहने लगा कि प्रॉमिस कर जब भी ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो इस फोटो को देखना और सोचना कि इस नाक का क्या होगा जब सूसू और पॉटी की बदबू तेरे थथुनों में जाएगी। क्या हो गया अगर मैं यूट्यूबर बन गया तो? कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पापा मैं खुश रहूंगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना प्लीज पापा। बेटा तुम्हारा वो रिंग लाइट स्टैंड कितने का आएगा? और पैसे चाहिए तो मांग लेना पापा। मैं सोच रहा हूँ फैशन डिजाइनिंग कर लेता हूँ, कहाँ यूट्यूब के वीडियोस की एडिटिंग, स्क्रिप्ट, प्रमोशन, गूगल एड।